बिल्लियाँ। आजकल घरों में बिल्लियों को पालने का ट्रेंड भी बढ़ने लगा है। लोग डॉग्स की तरह ही बिल्लियों को भी घर में पालते हैं और उन्हें भी अपने घर का मेंबर समझते हैं। डॉग्स की तरह ही बिल्लियों की भी तमाम नस्ल होती है। इन्हीं में से एक होती है बंगाल की बिल्ली। इस नस्ल की बिल्ली आमतौर पर तेंदुए की तरह दिखती है और इनकी तस्वीर देखकर एक बार के लिए आप भी धोखा खा जाएंगे कि ये बिल्ली है या फिर तेंदुए का बच्चा। लोगों का मानना है कि ये जंगली बिल्ली है, लेकिन कोल्हापुर के रहने वाले एक शख्स ने इस जंगली बिल्ली को भी पाल रखा है। वे इस बिल्ली को देश भर के कैट शो में ले जाते हैं। बिल्ली वहाँ करतब दिखाती है और कई बार खिताब भी जीत चुकी है। महेश सुतार कोल्हापुर के साने गुरुजी इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें बिल्लियों से काफी लगाव है। बचपन से ही वे बिल्लियों के शौकीन हैं और वर्तमान में उनके पास अलग अलग नस्लों की 11 बिल्लियां हैं। उन्हीं में से एक है बंगाल की बिल्ली। ये बिल्ली एक छोटे तेंदुए के बच्चे की तरह दिखती है, क्योंकि इस बिल्ली के पीले शरीर पर काले धब्बे होते हैं। महेश सुतार कहते हैं कि वास्तव में एक संकर बिल्ली है। इसे बंगाल की दो बिल्ली की अलग अलग नस्लों को मिलाकर विकसित किया गया है। महेश सुतार के पास फिलहाल 3 फारसी बिल्लियां और 8 बंगाल की बिल्लियां हैं, जिनमें से कुछ विदेशों से लाई गई है। इनमें से एक बंगाल की बिल्ली को रशिया से लाया गया है। महेश बताते हैं कि तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद देश के बाहर इस बिल्ली की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए है। यस, यानी कि ये बिल्ली खास होने के साथ ही बहुत ही महंगी भी है। महेश सुतार ने बताया है कि भारत में एक हाइब्रिड बिल्ली खरीदने पर 1.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। अब बिल्ली के खान पान और खर्च की बात करें तो महेश बताते हैं कि जो दो बंगाल की बिल्लियां हैं, उनका हर महीने का खर्च लगभग 10,000 से 15,000 रुपए है। महेश बताते हैं कि इन बिल्लियों को ताजी कच्ची सब्जियां और फलों के साथ साथ अलग अलग कंपनियों का बिल्ली का खाना भी खिलाया जाता है। पहली रजिस्टर्ड बंगाल बिल्ली का श्रेय जीन मिल नामक ब्रीडर को दिया जाता है। उन्होंने 1963 में घरेलू शॉर्ट हेयर बिल्ली के साथ एशियाई तेंदुए बिल्ली को पार करके इस नई नस्ल को विकसित किया था। एशियाई तेंदुआ बिल्ली एक घरेलू बिल्ली के आकार की जंगली बिल्ली है, जो पूरे एशिया में पाई जाती है। इसलिए हाइब्रिड बंगाल बिल्लियां औसत घरेलू बिल्लियों से ज्यादा बड़ी नहीं होती है। महेश सुतार बताते हैं कि एक बंगाल बिल्ली जो पूरी तरह से हेल्दी है और अच्छी स्थिति में है, तो उसका वजन लगभग 4 से 7 किलोग्राम तक हो सकता है। जब बंगाल बिल्ली पहली बार जंगली एशियाई तेंदुए बिल्ली और अमेरिकी घरेलू बिल्ली को पार करके बनाई गई थी, इसे F1 या फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। फिर इस संकर बिल्ली का घरेलू बिल्ली से संकरण कराया जाता है, इसे F2 यानी कि सेकंड जनरेशन कहा जाता है। ऐसा करने में एक सच्ची घरेलू बिल्ली माने जाने के लिए बंगाल बिल्ली को कम से कम F4 का होना चाहिए। महेश ये भी बताते हैं कि उस वक्त वे पहले से कम हिंसक हो जाती है। इस बीच इस बंगाल बिल्ली का उपयोग अक्सर कैट शो, विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रजनन के लिए किया जाता है, इसलिए इस अनोखी बिल्ली की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। आपको तेंदुए जैसे दिखने वाली ये बंगाल बिल्ली कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।